नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको 26वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। और आज 26वें अध्याय में है प्रचेताओं के पिता प्राचीन बहिष के से नारद ऋषि की भेंट होना। प्रचेताओं के पिता प्राचीन बहिष से नारद ऋषि की भेंट होना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रचेताओं ने महादेव जी द्वारा संत वैष्णव की प्रशंसा एवं श्री नारायण जी के तप करने का उपाय सुनकर प्रश्न हो हंस गुहा स्त्रोत का पाठ तथा तपस्या करने लगे। हंस गुहा का पाठ तथा तपस्या करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब उन्हें 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तब श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन और वरदान देकर कृतार्थ किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कृतार्थ किया, परंतु इतने पर भी वे लोग सांसारिक विहार को झूठा समझकर निरंतर जप में ही लगे रहे। उन्होंने सांसारिक विहार को झूठा समझकर तब भी तप करते रहे। उधर उनके पिता प्राचीन बहिष ने बहुत समय तक सांसारिक सुख और राज्य उपभोग करने के पश्चात विचार किया कि राज्य तथा धन श्री हरि की कृपा से प्राप्त होता है। राज्य धन पैसा जो भी है सब श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त होता है। और उस धन को यदि सांसारिक कार्यों में खर्च किया जाए तो उससे वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अतः मुझे यह धन यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों में लगाना चाहिए, शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, करके अपना परलोक को सुधारना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और अपना परलोक सुधारना चाहिए, ऐसा निश्चय करके राजा ने यज्ञ और दान करना शुरू कर दिया। शास्त्रों के अनुसार जिन जिन आश्रमों पर यज्ञ करना उत्तम कहा गया था वहाँ उसने यज्ञ किए, परंतु इतने पर भी उसके मन में वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राजा प्राचीन बहिष के मनोभाव को पहचान कर देवर्षि नारद जी ने अपने हृदय में यह विचार किया कि राजा की समस्त उम्र यज्ञ करने में ही व्यतीत हुई जा रही है, परंतु केवल यज्ञ करने से ही इसका परलोक नहीं बनेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। केवल दान धर्म करने से भी इसका परलोक नहीं सुधरने वाला। यह राजा परमात्मा पृथ्वी के कुल में पैदा हुआ है तो इसलिए ज्ञानोपदेश देकर भव सिंधु से पार उतार देना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पार उतारना चाहिए, ऐसा निश्चय कर नारद जी प्रजा प्राचीन बहिष के पास जा पहुँचे। मुनि को देखकर राजा ने श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्हें आदर सहित बैठाकर हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हे मुने, आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, जो आप जैसे महात्मा कृपा कर यहाँ पधारे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तब नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे राजन, सत्य बात तो यह है कि तू अपने बड़े सौभाग्य से ही इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भरत खंड का राजा हुआ। तू अपने सौभाग्य से ही
इंसान रूप में जन्म लिया और इतने बड़े भरतखंड में जन्म लिया और इसका राज्य किया, ये तेरा सौभाग्य है। नारद जी कहते हैं, तूने इस कर्म भूमि में यज्ञ आदि अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं, तूने इस भूमि में सब दान धर्म यज्ञ सब किए हैं, परंतु मनुष्य को उस जगह पर पहुंचना आवश्यक है, परंतु मनुष्य को उस जगह पर पहुंचना आवश्यक है जहां जाने के लिए उसने पहले निश्चय किया हो, जहां जाने के लिए उसने पहले निश्चय किया हो। यदि कभी मार्ग में चलते चलते ही उम्र पूरी हो जाए, यदि कभी मार्ग में चलते चलते उम्र पूरी हो जाए और वह अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंच सके और वो अपने तय किए हुए स्थान पर न पहुंच सके तो उस हाल में मार्ग जनित मेहनत की थकान, मार्ग जनित की थकान से आंतरिक उसे और कोई लाभ नहीं होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उसे रास्ते की जो थकान है उसके अलावा उसके आंतरिक उसे कुछ नहीं मिलने वाला। नारद जी के इन वचनों को सुनकर राजा ने अपने हृदय में आश्चर्य करते हुए सोचा कि वेद और पुराणों में यज्ञ और दान का बड़ा ही फल बताया गया है, तो मैंने यही तो किया है, लेकिन इससे बड़ा और कोई नहीं बताया है। इससे बड़ा दान धर्म से बड़ा और यज्ञ तप से बड़ा कोई किसी ने और बताया ही नहीं। फिर क्या कारण है जो देवर्षि नारद जी इस तरह बखान कर रहे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो।